गाजियाबाद के एक मदरसे से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मदरसे के शिक्षक ने एक छात्र के साथ गंदी हरकत की, इसको लेकर बवाल मच गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वाकया गाजियाबाद के अंकुर बिहार इलाके में हुआ। अंकुर बिहार थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में मदरसा है। यहाँ एक 13 साल का लड़का पढ़ रहा था। वो काफी दिनों से गुमसुम था। जब उसके घर वालों ने इसके पीछे की वजह जाननी चाही तो शुरुआत में डर की वजह से बच्चे ने कुछ नहीं बताया। बाद में वो रोने लगा। जब बच्चे के पिता ने दोबारा उससे जानना चाहा तो उसने बताया कि मदरसे का शिक्षक उसके साथ गंदी हरकतें करता है। बच्चे ने बताया कि काफी दिनों से उसके साथ ये हरकतें की जा रही हैं। शिक्षक रात को बच्चे को अपने पास बुला लेता था और उसके बाद गंदी हरकतें करता था। बच्चे ने बताया कि शिक्षक ने उसे धमकाया भी और कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो जान से मार देंगे। ये सुनकर परिवार हैरान और परेशान हो गया। वो तुरंत मदरसा पहुंचा। जब वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई, छात्र के पिता ने इस संबंध में मंगलवार को शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने जांच की और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 3/9/2024 को अंकुर बिहार थाना क्षेत्र में स्थित डावर तालाब चौकी में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई कि उसके 13 वर्षीय पुत्र के साथ, जो कि एक मदरसे में पढ़ता था, उसी मदरसे में पढ़ाने वाले साकिब सनाफ शमसुद्दीन मूल निवासी बिजनौर के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का नाम साकिब है, वो बिजनौर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस मदरसे में काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे आसपास की कॉलोनियों के ही हैं। बच्चों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था मदरसा द्वारा की जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ने के बाद घर लौट जाते हैं। यहाँ बच्चे अरबी और उर्दू की तालीम लेते हैं। इस घटना के बाद इस मदरसे में पढ़ रहे दूसरे बच्चे और उनके अभिभावक डरे हुए हैं। कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को मदरसे में भेजना तक बंद कर दिया है। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।